आप चाहते हैं कि जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चे आर्मी में जाए, आप क्या कहें? मेरा बेटा कारगिल युद्ध में शहीद हो गए, कैप्टन उमंग भारद्वाज, लेकिन मैं अपने बेटे और पोते किसी को भी आर्मी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी और जाने भी देना नहीं चाहती। ठीक है, जो आर्मी की हालात है इतनी खराब हो चुकी, कारगिल युद्ध की जो अभी वो मनाया जा रहा है, उनके पास जूते तक नहीं थे आर्मी में पहाड़ों में चढ़ने के लिए, जवान जवान ऑफिसरों को पहाड़ों पर चढ़ाया गया है, किस लिए मारे गए जिनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई, क्यों कारगिल युद्ध में भेजे गए बच्चे, वो माए नहीं थी जिन्होंने पार पार के अपने ऑफिसर बनाए थे, क्यों नहीं ट्रेनिंग दे दे के भेजे गए सरकार ने, अपने बच्चे जाते नहीं है और बाकी बच्चों को मरवा देते हैं ले जाकर, क्यों कौन सी खुशी मना रहे हैं अब ये? जूते थे उनके पैरों में, आइस से बचने के लिए कुछ था उनके पास, बंदोबस्त यूनिफॉर्म तक पूरी नहीं थी आर्मी के पास, कहां रहती है सरकार फिर उसके बाद? आप बताइए सरकार क्यों 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 लोग आर्मी में जाएंगे? मैं तो कहती एक को भी आर्मी में नहीं जाना चाहिए, और मेरे स्कूल के अंदर 400 बच्चे पास आउट होते हैं 12th से, एक भी बच्चा जाना नहीं चाहता आर्मी के अंदर, एक भी नहीं कहता हम आर्मी में जाएंगे, क्यों नहीं आर्मी के सरकार ठीक बंदोबस्त करती, क्या करती है आर्मी के लिए? कुछ नहीं करते, सब बोलते हैं बस नौकरी करते हैं, बेचारे नॉर्मल फैमिली से बच्चे जाते हैं, किसी राजनीतिक के बच्चे नहीं जाते हैं आर्मी के अंदर, अपनी नॉर्मल फैमिली से बेचारे जाते हैं और सर्विस नहीं मिलती है तो वो आर्मी में चले जाते हैं, उसके बावजूद उनके साथ क्या बर्ताव होता है? मीडिया उनकी कोई प्रॉब्लम बाहर नहीं निकालती है, सरकार उन सब बातों को बंद कर देती है, एक सिविल अगर कुएं में गिर जाता है तो उसके बाद भी महीनों दिखाया जाता है और एक जवान शहीद हो जाता है और फ्रंट पे मर जाता है, उसका एक दिन दिखाकर नहीं बताते कि किस मुसीबतों में मरा हुआ है वो आदमी, उसके बाद शहीद 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 सारा दिन रट्टा लगाते रहते हैं, शहीद के नाम पे राजनीति करते हैं, ये कहां की सरकार है? कोई भी सरकार आए जाए लेकिन जवानों के बारे में कोई भी नहीं सोचता, अगर हमारी फ्रंट पे जो हमारी आर्मी कमजोर होगी तो देश की हिफाजत कहां से होगी? अब जिस दिन आर्मी की देखभाल ठीक हो जाएगी उस दिन हर जवान को हम खुद तैयार कर करके भेजेंगे आर्मी में, और हम स्टूडियो में आके बताएंगे कि आर्मी में भी जाना चाहिए।